शिमला जिले के रामपुर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सदर न्यायालय परिसर में जिला एवं सदर न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सदर न्यायाधीश अनुजा सूद भी मौजूद रही। उधर दूसरी ओर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन ने झंडा फहराया। उन्होंने कोरोना के इस दौर में कोरोना बैरियर के रूप में काम कर रहे तमाम लोगों को इस मुश्किल घड़ी में निस्वार्थ सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान रक्तदान सेवा परिवार की ओर से रामपुर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का विधिवत उद्घाटन SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन ने किया। रक्तदान सेवा सोसाइटी के संचालकों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने की नीयत से इस तरह के सेवा से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में जिन युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया वे काफी उत्साहित हैं, खासकर जिनका आज जन्मदिन भी है। ऐसे युवा रक्तदान के माध्यम से आजादी के दिन के महत्व को बढ़ा रहे हैं। पंचायत प्रधान पोषणा देविका ने बताया कि आजादी के दिन रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। मेरे मन में ये ख्याल आया कि कोई मेरा बहन भाई रक्त की परेशानी से जूझ रहा हो तो इस मौके पर रक्तदान देकर वे बीमारी से आजाद होगा। हम देविका है, मैं पंचायत प्रधान हूँ। तो आज ये जो इंडिपेंडेंट डे है, मुझे लगा कि ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कि इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने ठाना कि मुझे रक्तदान करना चाहिए। कि मुझे ये ध्यान आया कि अगर कोई मेरा भाई बहन कोई किसी बीमारी के गुलाम हो गया है, तो इस आज़ादी के दिन में मैं चाहती हूँ कि वो उसको ये मेरा ब्लड लगे और उस बीमारी से आज़ाद हो जाए। थैंक यू। कृतिका ने बताया कि आज उसका बर्थडे है और इंडिपेंडेंस डे भी है। उन्होंने बताया कि आज पहली बार रक्तदान किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ब्लड डोनेट कर यहाँ किसी जरूरतमंद के काम आएगा। मेरा नाम कृतिका है और आज मेरा बर्थडे है और इंडिपेंडेंस डे भी है और मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट भी किया है। इंडिपेंडेंस डे था तो मैंने सोचा कि रक्तदान करने से अच्छा और क्या हो सकता है। जैसा पता है रक्तदान महादान है, तो आज मैंने भी ब्लड डोनेट किया है और मुझे ये डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। शिविर आयोजक संजय सूद ने बताया कि रक्तदान सेवा परिवार की ओर से इस तरह का ये 13वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय लोगों व प्रशासन व भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आयोजन कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी में 300 से अधिक रक्तदाता शामिल हैं और विशेष अवसर पर रक्तदान का आयोजन लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाना है। रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी रामपुर की ओर से ये 13वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है और ये रक्तदान शिविर विशेषकर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसमें हमें स्थानीय प्रशासन, आम जनता पूरा सहयोग, उनका सबका पूरा सहयोग मिलता रहता है। इस बार भी हमारा यही लक्ष्य है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके